कलजुगी माँ के सह पर सौतेले बाप ने बेटी पर बरसाया कहर, लगाई आग से बाल बाल बची बच्ची। कुशीनगर जनपद से एक और दिल को झकझोर देने वाली सनसनीखेज प्रकाश में आया है। दरअसल कुशीनगर जनपद के बिशनपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत पृथ्वीपुर गांव निवासी एक 14 वर्षीय नाबालिग बच्ची का आरोप है कि पिता की मृत्यु के बाद उसकी सगी कलजुगी माँ ने 7 बच्चों के बाद दूसरी शादी कर ली और जबरन पुत्री को सौतेले बाप के यहाँ लेकर चली गई। बच्ची ने मीडिया से बताया कि उसका सौतेला बाप आए दिन उसके साथ बर्बरता का मारपीट करता रहता है। इससे अजीज होकर बच्ची भागकर अपने स्वर्गीय बाप के घर चली आई। यहाँ भी सौतेले बाप ने बच्ची के साथ मारपीट करते हुए गिलास प्लेट पत्तल के प्लांट में आग लगाकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। पास पड़ोस में रहने वाले कुछ व्यक्तियों ने बीती हुई घटना की जानकारी दी। साथ ही साथ नाबालिग बच्ची और उसके सगे बाप के परिजनों ने क्या कुछ बताया, सुने और देखें। क्या नाम है आपका? सावित्री देवी। सावित्री देवी, घर कहाँ है? पृथ्वीपुर। थाना कौन सा पड़ता है? बिशनपुरा जनपद कुशीनगर। क्या मामला हुआ है सर? मामला यह बा कि हमार ननद ही हमारी घर है एक बार और आई रही। अच्छा। तो पुलिस से समझा बुझा के हम पोल्हा समझा के इनके घर भेज दहनी। हाँ। अपने घर गईली। हाँ। फिर रात 8 बजे करीब में। हाँ। भाग के फिर हमारा लगे चली आई। हाँ। कहत कि उ शादी करके चल गई बड़ी तो चमार हमन उनका घर हम ना रहे। अच्छा। हम अपना भौजाई के लगे रहे, हमारे जो खून बा ओकरा लगे रहे। आप इनके कौन लगती है? हम इनका भौजाई लगते हैं। क्या नाम है बहनी? रेखा। रेखा, तुम्हारे पिताजी का नाम? कंचन। माता जी का? चमेली देवी। अच्छा, ये बताओ घर कहाँ है? पृथ्वीपुर। पृथ्वीपुर। क्या मामला हुआ है कि तुम रात में वहाँ से भग के आई हो? मम्मी दोस्तों शादी कर बड़ी। हाँ, पिता। अच्छा। गुजर गए। क्या बहन हो तुम लोग? 5 बहन। 5 बहन है। भाई? 2। और सबसे जेठ हो तुम? शादी कौन है? पापा। तुमसे बड़ी भी बहन है? अच्छा, तो तुम वहाँ से क्यों भाग के चली आई? अच्छा, ये जो आपके मम्मी है वही मारपीट रही थी जो ने जिनके साथ शादी हुआ है ये लोग? अच्छा। पापा भी मार रहे थे। कितना दिन हो गया आपके पापा को मरे हुए यहाँ पे? 6 साल। 6 साल। अभी का क्या मामला हुआ है? अभी अभी जो मामला हुआ है वो क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ अभी का मामला क्या है? हाँ, भाभी नार लिए चल कर लिए बाजार है। अच्छा। आर लो हम फुआ बुला के लिया लिए, मम्मी और बुला के लिया लिए। हाँ। मार खिलाओ खाती। अच्छा, कहाँ से वो लोग आए थे? कटकुइया से। कई आदमी आए थे वो लोग? 2 आदमी। और मारे पीटे हैं तुम लोग को? हाँ। किनको किनको? घर पे कौन कौन थे तुम लोग? हम खाली भाभी लिया। हम भाभी के बहन हम। अच्छा, आपको कहाँ मारा है? घर यही पे। हाँ। और ये क्या हुआ है जो मशीन जला हुआ है? हर केस जब घर में मार पीट हो गया तो हर केस जरा के चल। अच्छा, हर केस कौन है वो? बहनी ये बताओ कि अभी अभी क्या हुआ है, जो मामला अभी हुआ है वो बताओ। अभी अभी क्या हुआ है? वो लोग आए थे, 5 लोग थे। वो आए थे हम लोग को घर में घेर कर मार रहे थे। हर केस उठा आग लगा दिया, मशीन ही मारा भग गया। तो वहाँ से आप किस तरह आई हैं? मार तो लो लोग गला में हाथ लगा दे लो तो हाथ लगा कर मार तो लो मैंने मार रहे थे सब। क्या कह रहे थे? ऊँची लेके भेजना। अगर जो अगर थाना से अगर कोनो सुनवाई ना हो साहब तो हमारे एगो मालिक और 3 गो लड़का एगो हम 5 आदमी हम अपन जाके हम आत्महत्या कर ले, हम रोड पर जाके मर जाए, अपन जान दे दे 4-5 व्यक्ति हो जा हमने के मर जाए जाकर कोनो सुनवाई ना हो। बनी कौन सा ग्राम सभा है? ग्राम पीर्तिपुर मोसारी टोला। अच्छा, ये बताओ कि यहाँ पे जो झगड़ा हुआ है तुम लोग मौके पे थे? हाँ, मौके पे थे। तुम लोग इसी घर के हो कि कहीं दूसरे घर के? साइड में है, पड़ोसी लोग हैं। पड़ोसी हैं। हाँ। क्या क्या हुआ, किस तरह मारामारी हुआ है? वो सब आई थी अपने में और ये सब घर में सब लोग थे। ये दोनों गार्जियन थे, वो नहीं थी। गार्जियन थी जो इस घर की। हाँ। वो नहीं थी। अच्छा। तो वो सब आई और सब कोई बाहर था भी, मतलब हाँ। बात वोत कर रहे थे। हाँ। और वो तीनों ढूंढ कर अंदर सब मारने लगी, पीटने लगी। अच्छा। और वो जो
तो उसका हस्बैंड है चमेली का, वो आकर इसमें आग लगा दिया, फिर सब धुआं वाला सा होगा तो सब कोई देखा तो आगे होगी लगा हुआ था। कितने आदमी थे? वो 3-4-5 आदमी शायद थे, 4-5 आदमी थे। हाँ, वहाँ पे थे तो सब कोई बताया था और बहुत मारे हो रहे, उसके बाद से चले गए सब।